नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच प्राचीन भारत के इतिहास की स्टेज सीरीज में मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच स्टेज सीरीज के रूप में ला रही हूँ, जो कि आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं आज के स्टेज सीरीज में प्रथम क्वेश्चन कौन सा है। प्रथम क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य की गणना भारत के महान शासकों में होती है। अब वह भारत के प्रथम ऐतिहासिक सम्राट थे। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित कर जिनका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से भी बड़ा था और उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ये भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकताबद्ध भी किया था। अतः उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन कई बार आ जाता है, किस लेखक ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। तो उत्तर आपका हो जाएगा जस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का सातवां अंग कौन सा था। तो साथियों, राज्य के सप्तांग सिद्धांत में राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या की जाती है। कौटिल्य द्वारा इसकी व्याख्या अपने पुस्तक अर्थशास्त्र में किया गया है। तो ये जो राज्य का सातवां अंग किसे माना गया है, तो इस क्रम में आपको माना गया है मित्र को। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि किसने, किस शासक ने बिंदुसार के दरबार में डिमेकस को भेजा था। तो ऐसी स्थिति आपके स्ट्रैबो के अनुसार आप व्याख्या देखें तो सीरिया के राजा एंटियोकस ने डिमेकस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजे थे। और ये कौन व्याख्या किया है, स्ट्रैबो ने बताया है। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि डिमेकस भारत किसके शासनकाल में आया था, किसने डिमेकस को बिंदुसार के राज दरबार में भेजा था। तो इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अशोक के अभिलेखों में तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। अशोक के अभिलेखों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के द्वितीय वृहत्तर शिलालेख में चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरल पुत्र आदि दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार से साथियों, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। ठीक है,
द्वितीय मुख्य शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि द्वितीय मुख्य शिलालेख में किन दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा चोल, पांडे, सतीपुत्र, केरल पुत्र आदि का। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। सार्थवाह किसे कहते थे, सार्थवाह किसे कहते थे? फ्रेंड्स, मौर्य काल में व्यापारिक काफिले को सार्थवाह की संज्ञा दी गई है और इसका उल्लेख कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में भी प्राप्त होता है, तो उत्तर इसका हुआ ऑप्शन बी, व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? साथियों, स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वोत्कृष्ट माना गया है और सांची का ये जो स्तूप है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इसका निर्माण ऑप्शन डी अर्थात अशोक द्वारा कराया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीर्थयात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, 4, 2, 1, 5, 3, 6 अर्थात लुम्बिनी, कपिलवस्तु, गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। ठीक है, इसी के साथ साथियों आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी तैयार कराती हूँ, स्थान और स्मारक। ठीक है, कौसाम्बी में कौन सा स्मारक है, घोसिता राम मठ, कुशीनगर में रानाभर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप, श्रावस्ती में सहेत महेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, कम से कम 20 से 25 बार इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो फ्रेंड्स, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय थी। अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टारेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे कहाँ का शासक था? फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मिस्र। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें अंतियोकस,
अर्थात सीरिया का शासक, ठीक है, एंटियोकस तुरमा या तुरमाए, टालमी फिलाडेल्फस अर्थात मिस्र का राजा, अंतकिनी एंटीगोनस मेसिडोनिया या मकदोनिया का राजा, मग अर्थात साइरिन का शासक, अलिक सुंदर अर्थात अलेक्जेंडर एपाराइंस या एपिरस का राजा थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्ग को नियंत्रित करता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात कथन कारण की सही व्याख्या या स्पष्टीकरण है। क्यों अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था? क्योंकि कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और क्योंकि से इसका व्याख्या भी आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है, ठीक है। तो उत्तर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? फ्रेंड्स, मेगस्निस की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां होती थी तथा प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे और इस प्रकार कुल 30 सदस्य कार्य करते थे। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, मेगस्निस की इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? अभी आपको उत्तर बताया गया है, तो इसका उत्तर हो गया ऑप्शन डी, मेगस्निस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? मौर्य काल में राजकीय भूमि की व्यवस्था सीता अध्यक्ष द्वारा होती थी और इसे प्राप्त होने वाली जो आय होती थी उसको सीता कहा जाता था, अर्थात उत्तर इसका होगा ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, इनके आगमन का सही कालानुक्रम बताइए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3142, ठीक है, 3142, अर्थात मेगस्निस, फिर उसके बाद भयान, उसके बाद वेनसांग, फिर उसके बाद इत्सिंग, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया?
ध्यान रखिए क्वेश्चन पूछा गया है इसवी सन के पूर्व, ठीक है, तो ईयर को भी इस क्वेश्चन को डील करने में आपको ध्यान रखना है। इसका सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन बी 2-3 अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ठीक है, सुने इसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने इसवी पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। सक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की मरम्मत कराई थी। चूंकि रुद्रदामन किस काल के हैं, 2री शताब्दी ईस्वी के थे, अतः विकल्प क्या होगा, ऑप्शन 2 और 3। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। इसका भी उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जी हां, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3-4-1-2 डिमेट्रियस हिंद यूनानी। रुद्रदामन सख्त था, गोंडोफर्निस पहलौ, भीम कुषाण। फिर से सुने, डिमेट्रियस हिंद यूनानी, रुद्रदामन सख्त, गोंडोफर्निस पहलौ, भीम कुषाण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भीम कैटफिशेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ किया गया। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ। एक क्वेश्चन और बनता है कि विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ, तो वो हो जाएगा आपका 57 ईसा पूर्व। ठीक है, अब क्वेश्चन एक बनता है कि विक्रम एवं शक संवत में कितना अंतर है, तो हो जाएगा 100
35 वर्ष का अंतर है, ठीक है, शक और विक्रम संवत के बीच अंतर 135 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अश्वघोष किसका समकालीन था? फ्रेंड्स, अश्वघोष कनिष्क के राजकवि थे, वसुमित्र भी कनिष्क के आश्रित विद्वान थे, इन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता भी की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर आपका हो गया ऑप्शन सी कनिष्क, अश्वघोष किसके समकालीन थे? कनिष्क के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा दो अश्वमेघ यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक थे, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था, पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त का सेनापति था और इसने 184 ईसा पूर्व में बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, अर्थात पुष्यमित्र कौन था? शुंग वंश का संस्थापक था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो ये पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन आता है कि किसने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की, तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा कि पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अवश्य इनके बारे में आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो अयोध्या शिलालेख इसका उत्तर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, सातवाहन चांदी तांबा तथा सिक्के के तथा शीशे के सिक्के जारी कराए, सातवाहन जो थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि शीशे के सिक्के किसने चलाया, तो उत्तर हो जाएगा सातवाहन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है चांदी तांबा शीशे के सिक्के कौन राजवंश प्रचलित किया, तो उत्तर हो जाएगा सातवाहन, लेकिन यहाँ पे स्वर्ण है तो ये हो जाएगा गलत, ठीक है। कुषाण स्वर्ण और ताम्र का सिक्का चलाए, गुप्त स्वर्ण एवं रजत का, और कलचुरी आपका स्वर्ण रजत और ताम्र का, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजवंश और राजधानी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। शुंग राजवंश की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। सातवाहन की पैठन, और कई बार सातवाहनों की राजधानी स्पेशल रूप से पूछा गया है, ठीक है, पैठन का। कदम की राजधानी बनवासी, ये भी पूछा गया। चंदेल की राजधानी महोबा, ये भी पूछा गया। चारों राजधानी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इन राजवंशों का, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भीतरी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि भीतरी स्तंभ लेख का संबंध गुप्त शासक स्कंद गुप्त से है, जबकि पुलकेशिन द्वितीय जो यहाँ पर रूपांकित किया गया है, पुलकेशिन द्वितीय का संबंध ऐहोल अभिलेख से है, जो एक प्रशस्ति के रूप में आप जानेंगे, और इसकी भाषा संस्कृत है। और पुलकेशिन द्वितीय का जो ऐहोल अभिलेख है जिसका उससे संबंध है, ये भी प्रश्न पूछा गया है, और भीतरी आप देख ही रहे हैं पूछा गया है। नासिक अभिलेख गौतमीपुत्र से संबंधित है, हाथी गुम्पा खारवेल से संबंधित है,
बहुत इंपॉर्टेंट है हाथी गुम्फा का अभिलेख, ठीक है, जिसमें खारवेल की उपलब्धि दी गई है। गिरनार रुद्र दामन का आप देख ही लिए, कई बार आप सभी के सामने ये प्रश्न मेरे द्वारा लाया गया। तो ये चारों अभिलेख अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो भीतरी आपके स्कंदगुप्त संबंधित है और पुलकेशिन से संबंधित है आपका ऐहोल अभिलेख। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। देखिए मैं ये क्वेश्चन क्यों लाई, आपको बताने के लिए कि प्रीवियस क्वेश्चन किस प्रकार से अध्ययन करते हैं। यदि आप गहनता के साथ प्रीवियस क्वेश्चन को अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप 30-50% क्वेश्चन बस प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करेंगे तो ही कर लेंगे सही। और बाकी जो मेरे द्वारा पुस्तकें बताई गई हैं उनका यदि आप अध्ययन कर लेते हैं साथ में तो 100% क्वेश्चन आप सही करने की क्षमता को डेवलप कर लेंगे। तो साथियों इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए सही उत्तर को चयन करें। अर्थात दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश और उनके राज्य। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी 3142। देखिए दक्षिण भारत के समुद्र गुप्त के समकालीन नरेश धनंजय किस राज्य से, कुस्तलपुर, नीलराज अवमुक्त, उग्रसेन पलक्का, विष्णुगोपा कांची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। तो फ्रेंड्स हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से पराजित हुए। यह आक्रमण एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपरी इसके कोई तात्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से गुप्त साम्राज्य के पतन की ओर जो गति थी वो बढ़ी, क्योंकि वस्तु स्थिति धीरे धीरे परिवर्तित हुई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। अभी आपको जब अभिलेखों का अध्ययन कराया जा रहा था तो आपको अवगत कराया गया, ठीक, पुनः आप सभी के बीच यह बताने के लिए इस क्वेश्चन को लाया गया है कि देखिए परीक्षा में किस प्रकार से एक ही प्रश्न को कई रूपों से पूछा जाता है, और यदि इस विश्लेषण क्षमता को आप अपने भीतर डेवलप कर लिए तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सभी अपने परीक्षा को बहुत ही सहजता के साथ सफलता में बदल देंगे। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भीतरी स्तंभ लेख। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। फ्रेंड्स उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्ता से संबंधित नहीं है बल्कि चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय से उदयगिरी गुहा संबंधित है। इस प्रकार सही उत्तर हो गया ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम से मंदसौर अभिलेख संबंधित है, सही है।
पतिक से संबंधित है, तक्षशिला अभिलेख सही है, समुद्रगुप्त से एरड अभिलेख है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं, जिसके लिए आपको 3 दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 और 3। ठीक है, 2 और 3। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था, ठीक है, और प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था में श्रेणियों का विशेष महत्व था। यह ऑलरेडी पिछले टेस्ट सीरीज में आप सभी को श्रेणी के महत्व, श्रेणी की क्या क्या विशेषताएँ थी, सब कुछ आप सभी को बताया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार कई रूपों से इस प्रश्न को पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, रूपक। चांदी की मुद्राओं को रूपक कहा गया, जबकि सोना के मुद्राओं को दीनार कहा गया था, ठीक है, स्वर्ण मुद्राओं को दीनार कहा गया। तो नेक्स्ट देखते हैं, सम्राट और विरोध अर्थात उनकी उपाधियाँ, कौन सम्राट कौन सी उपाधि को धारण किए, विरुद्ध धारण किए, इसको आप सुमेलित करें। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। अशोक द्वारा प्रियदर्शन, समुद्रगुप्त द्वारा पराक्रम, चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त द्वारा क्रमादित्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, उपज का 1/6। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तोरमाड़ किस जातीय दल का था, तोरमाड़ किस जातीय दल का था। फ्रेंड्स, जो तोरमाड़ था, भारत पर दूसरे हूड़ आक्रमण का नेता था। अब मध्य भारत के एरड नामक स्थान से वराह प्रतिमा पर खुदा हुआ उल्लेख, उसका एक लेख मिला है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि धन्य विष्णु उसके शासनकाल के प्रथम वर्ष में उसका सामंत था। इस प्रकार इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उत्तर निम्न कूटों के आधार पर दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन सी, 1 और 3। ठीक है, 1 और 3 सही है। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते थे, ठीक, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया, जबकि ऑप्शन बी आपका ये वाला 2 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पतंजलि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति किसकी है? तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एक क्वेश्चन बनता है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है, तो उत्तर हो जाएगा चार्वाक का। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है, अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, मीमांसा से। और भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप सभी का जानना जरूरी है, जैसे न्याय दर्शन से संबंध गौतम, सांख्य दर्शन कपिल, वैशेषिक का कड़ाद, मीमांसा का जैमिनी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिनव गुप्त का संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है, बाकी का है। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। विक्रम संवत अभी आप सभी को बताया गया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, चारों ऑप्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रस्तुत विकल्प में चारों अपने अपने रूप से सही है। ठीक है, विक्रम संवत की आरंभ 58 ईसा पूर्व, शक संवत 78 ईस्वी से हो गया। ठीक है, आपका गुप्त काल 319 से, आपका भारत में मुसलमान शासन का युग 1192 से, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। फ्रेंड्स जितने भी प्राचीन भारत के इतिहास में शासक हैं उनकी राजधानियों को जरूर आप तैयार करिएगा। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राप्त विकल्पों में आपका कन्नौज। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री युआन चांग अर्थात वेन सांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन बी, केवल आपका 2 और 3, एक सही नहीं है। 2 और 3 क्यों सही है? देखिए जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति के निर्देशित अथवा दोष के लिए निर्णय का साधन थे। तत्कालिक पीरियड में व्यापारियों को नौघाटों और नौकों पर शुल्क देना पड़ता था। तात्कालिक पीरियड में सड़क और नदी मार लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित थे, ये गलत था क्योंकि सुरक्षित नहीं था। तो अब नेक्स्ट देखिए और अंतिम क्वेश्चन है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है, कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है। फ्रेंड्स कौशेय शब्द का प्रयोग गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में रेशम के लिए किया गया था। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रेशम के लिए। तो आज आप सभी के बीच वे तमाम महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के बीच आए। आज आप सभी ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर किया अवश्य कमेंट बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। फ्रेंड्स यदि आप सतत रूप से
बताए गए गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से जितने भी क्वेश्चन हैं आप बहुत ही सहजता के साथ सारे प्रश्नों को तैयारियां कर लेंगे। और मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप सभी को सही दिशा निर्देश के क्रम में तैयारी कराया जाए तो आप अवश्य ही बेहतर प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि कहा जाता है असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के इस मैदान को ये छोड़ कर मत भागो तुम। ऐसे ही थोड़ी नहीं सोहनलाल द्विवेदी जी की ये रचना इतनी लोकप्रिय है और मेरी भी फेवरेट है। उसका रीज़न ये है साथियों, हमेशा अपने कमियों को आप देखिए, उसको सुधार करने का प्रयास करिए, निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप सफलता प्राप्त करेंगे, कुछ भी असंभव नहीं है। इसी आशा संदेश विश्वास के साथ आप सभी के सफलता के लिए ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बेस्ट ऑफ लक।